नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह फिर मैं जीके जीएस लाया हूँ। और ये जीके जीएस आपको सभी एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में काम आएंगे। और अगर ये जीके जीएस अच्छे लगे तो कमेंट में लिखें, और कोई भी विषय पर आपको जीके जीएस चाहिए तो कमेंट में लिखें और उसको मैं अवश्य तैयार करा दूंगा ऑनलाइन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, कार्य पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर हो गया संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुखिया मुख्य अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसने बनाया गया था? अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निसार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह चंद्रमा से अधिक ठंडा होता है, सूर्य से अधिक गर्म होता है, या सूर्य जितना गर्म है उतना होता है? इसका आंसर हो जाएगा जी, सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडा होता है एक तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का, वो फ्रांस का बोनापार्ट निवासी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के द्रव्यमान आकार और घनत्व में बराबर हैं, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। कहता है, धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति को हिस्सा देने का कानून किसमें है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं ऑप्शन से। इसमें कह रहा है, भारी जल का आण्विक सूत्र है? इसका आंसर हो जाएगा D2O। भारी जल का आण्विक सूत्र क्या है? D2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा बी, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण है क्षति? ऑक्सीकरण है क्षति। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की। ऑक्सीकरण क्षति है किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का समावती समाव यद्यपि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डाइमेथिल इथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के कारण? निम्नलिखित के कारण वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के कारण? निम्नलिखित के लिए अपचयन, पॉलीमरीकरण, संघनन, ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपचयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोगी यौगिक का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BaCl2 प्लस H2SO4, फिर BSO4 दिया है इसका योग, प्लस 2HCl है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोहरा विघटन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप युग्म का आधार सिद्धांत है? इसका आंसर हो जाएगा सीबेक प्रभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है? इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएँ बनती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि इस तरह का वीडियो इस पर हमेशा अपलोड करता हूँ, जिसके जरिए जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। और आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।